थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी गाइज. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एज दिस इज माई लिटिल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइज. हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली. होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल. सो टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट द राइस पार्ट वन पुष्पा का. ठीक है, हिंदी ट्रेलर है, ऑब्वियसली मुझे अब समझ में आ जाएगा बिकॉज हिंदी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बाकी जो लैंग्वेजेस हैं मुझे नहीं समझ में आती. इंग्लिश भी समझ में आती है लेकिन बाकी लैंग्वेजेस नहीं समझ में आती. तो ये ट्रेलर हिंदी में है पुष्पा मूवी का, द राइस पार्ट वन. ठीक है, उस पर रिएक्शन देंगे और फिर देखते हैं कि इसमें क्या, मतलब क्या नई चीज़ है. पुष्पा मूवी तो हम वैसे भी देख चुके हैं, इसका ट्रेलर मेकिंग हर चीज़. तो आइए पहले इसको देखते हैं और फिर इस पर रिएक्शन देते हैं. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. भागो भागो बकरे, भागो भागो बकरे, भागो भागो बकरे. शेर आया तो करेगा टुकड़े. कौन है ये? दो कोड़ी का मजदूर है. अटावे पार्टनर पुष्पा कर लगा. कौन है तेरा मालिक? पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है. अब से सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा. पर तुझे पता है तू हारने वाली बाजी खेल रहा है. मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊँ ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे और बिना वर्दी के. बात आगे तो नहीं बढ़ी ना. एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा. बद से आगे बढ़ गई. मेरे को अपना आने वाला कल बहुत ब्राइट लग रहा है. हाँ जी, तो ये था ट्रेलर द राइस पार्ट वन का. पार्ट वन का था, पार्ट टू पर भी रिएक्शन देंगे लेकिन पार्ट वन तो बहुत अमेजिंग लग रहा है. पुष्पा जी, मतलब मेरे ख्याल में अल्लू अर्जुन सर का जो इसमें नाम है वो पुष्पा है. तो वो ये कह रहे हैं, पुलिस वाले उनको कह रहे हैं कि पुलिस, वो अर्जुन जी सब कुछ संभालेंगे. और फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो, उन्होंने मतलब पिस्टल चलाई है. पता नहीं, जब उन्होंने बोला था ना कुत्ता भी तो तेरी इज्जत नहीं करेगा, तो उस पर उन्होंने पिस्टल चलाई. आई डोंट नो कि किसको मारा, कुत्ते को मारा है या किसी और को. तो ये चीज़ इसमें क्लियर नहीं दिखाई गई, लेकिन ट्रेलर बहुत अच्छा लगा. सर, इस मूवी में जो रश्मिका मंदना थी, शी वॉज लुकिंग सो डैम प्रिटी. एंड जो कहते हैं ना कि शी इज़ परफेक्ट फॉर दिस डायलॉग एंड परफेक्ट फॉर द मूवी, शी इज़ द ओनली वन. एंड अल्लू अर्जुन सर तो हमारी जान है, वी आर अ ह्यूज एंड ग्रेट फैन ऑफ हिम. एंड हम इस पर, मैं देखकर ये बात कह सकती हूँ कि जो अल्लू अर्जुन सर है ना, वो करेक्टर्स में जीते हैं. ही लिव्स इन करेक्टर्स. जब वो करेक्टर्स में ढल कर एक्टिंग करते हैं ना, दैट इज समथिंग यार जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सका, ना कर सकता है. अल्लू अर्जुन सर इज दैट मच सुपर हिट एंड सुपर डुपर एक्टर. आई रियली रियली रिस्पेक्ट हिम दिल से यार. जो बात है, नो वन कैन डू दिस. जो वो एक्टिंग में, अपनी एक्टिंग में जो एनर्जी लाते हैं और जो करेक्टर में ढल के उसको परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ अदर लेवल ऑफ एप्रिसिएशन. एंड आई लव दिस मूवी. दिस इज़ द, मुझे पता है कि ये मूवी बहुत अच्छी होगी. मैंने अभी तक नहीं देखी और ऑब्वियसली हमने पुष्पा की जो है ट्रेलर्स और मेकिंग वगैरह देखे थे, लेकिन मूवी अभी तक नहीं देखी जिसमें हम अल्लू अर्जुन सर को देख सकें. अच्छा, और इसमें स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे ये बात बोल रहे थे कि भागो भागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े. इससे मुझे वो वाला गाना याद आ गया यार, वो गाना कितना अमेजिंग था. जागो जागो बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े. मतलब माइंड ब्लोइंग. तो इससे हमें ही समझ में आ गया है कि ये मूवी जो है वो बहुत बहुत हिट होगी. तो आई कैन नॉट वेट टू वॉच दिस मूवी. प्लीज़ मुझे बताइए कि हाउ कैन आई वॉच दिस मूवी यार. एंड एक्शन पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.